आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी M01 कोर को। ये एक बजट फ़ोन है और इसके बारे में मैं कंप्लीट बताऊँगा आखिर ये फ़ोन कैसा है, क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए कि नहीं, और इसका कैमरा के बारे में भी और इसके बैटरी, मतलब ऑल ओवर सबके बारे में बात करेंगे। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, क्योंकि इसे यूज़ करते मेरे को हो चुका है अराउंड 3 मंथ और कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ करना चाहिए कि सेकेंडरी फ़ोन, और ये फ़ोन किसके लिए बना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम आशुत गोपाल। तो सबसे पहले बात करें इस फ़ोन की, तो ये अमेज़ॉन में अभी अवेलेबल है। अगर आपको इसे परचेस करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस 5000 रुपीज़ में। और सबसे अच्छी बात है अभी भी स्टॉक में अवेलेबल है। ये जो है ये 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल वाला है, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं ईजिली 512 GB तक। और सबसे अच्छी बात डुअल सिम सपोर्ट करता है, इसमें हाइब्रिड सिम कार्ड का कोई झंझट नहीं है। तो अब जहाँ तक बात करते हैं ये फ़ोन किन लोगों के लिए बना है। देखो, अगर आप एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ करोगे, सीधी बात है, तो आप इसमें उतना कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ये लैग मारेगा एक टाइम के बाद, फिर हैंग मारेगा, सीधी बात है, क्योंकि ये उतने हैवी यूज़ के लिए नहीं बना है। एकदम सा ये बजट फ़ोन है, 5000 रुपीज़ में आता है, लेकिन इसमें अगर आपसे व्हाट्सएप चलाओगे, यूट्यूब देखोगे और थोड़े बहुत ऐसे टीवी भी देखोगे, मतलब लाइव टीवी जो आते हैं एप्लीकेशन यूज़ करके, जिसके लिए मेन ये फ़ोन यूज़ होता है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा चलेगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। इसमें मैंने टीवी भी देखा है, प्लस ओवरऑल बात किया जाए यूट्यूब व्हाट्सएप ये सब में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप इसे एज अ सेकेंडरी फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस अगर आप इसे एज अ मेन मतलब प्राइमरी फ़ोन यूज़ करोगे, तो ये बात याद रखना कि पहला स्टोरेज का दिक्कत आएगा, प्लस दूसरा ये फ़ोन हैंग मारेगा। और ये सबसे अच्छी बात है एंड्रॉयड गो के साथ आता है, तो कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो अब जहाँ तक आप इसके कैमरा देखें, तो मैं आपको बैक कैमरा दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब इस प्राइस पॉइंट में जस्टिस करता है, ठीक ठाक है कैमरा, डिसेंट क्वालिटी आपको मिल रहा है, अच्छे अगर कंडीशन अच्छा हो, लाइटनिंग कंडीशन अगर आप सुबह खींच रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपको फोटो देखने को मिलेगा। अगर आप रात में फोटो क्लिक करते हो तो उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, पूरा नॉइस से भरा हुआ रहेगा, प्लस आपको मतलब उतना अच्छा क्लैरिटी मिलेगा नहीं। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा के बारे में। फ्रंट कैमरा बोला है 5 MP का है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है, मतलब एक VGA क्वालिटी टाइप से भी कैमरा, अगर मैं इसे दिन में भी खींचूँ तो उतना कुछ खास आता नहीं है इसमें फ़ोटोज़। ओके, तो फिलहाल बात किया जाए तो अगर कैमरा को छोड़ूँ तो बैक कैमरा इसका ठीक ठाक है, अच्छे लाइटनिंग कंडीशन में, प्लस फ्रंट कैमरा एकदम मतलब बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता। तो बस ये है, बाकी इसमें तो ओवरऑल बात किया जाए तो अगर आपको इसे परचेस करने का मन है तो आप इसे ऐसा सेकेंडरी फ़ोन परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसे पेरेंट्स को गिफ्ट करना है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। तो ओके, तो उस हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बाकी सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, ईजी इंटरफेस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा, बैटरी भी इसका काफ़ी अच्छा चल जाता है। अगर इसमें सिर्फ आप यूट्यूब और व्हाट्सएप चलाओ तो आराम से एक दिन चल जाएगा 100% चार्जिंग में, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। एकदम मैंने शॉर्ट एंड सिंपल इसका एक रिव्यू बना दिया। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इसमें ऐसा और कोई दिक्कत नहीं, भले इसका जो प्रोसेसर है वो उतना अच्छा नहीं है लेकिन चलता है, क्योंकि ये एक मिड रेंज, मतलब मिड रेंज भी नहीं, सिर्फ एक बजट डिवाइसेस है, और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सैमसंग की तरफ से। अब सीधी बात है, किनको ये परचेस करना चाहिए, जिनको नॉन चाइनीज़ फ़ोन चाहिए, जिनको पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या फिर जिनको सेकेंडरी परचेस करना है, तो उनके लिए ये फ़ोन बेस्ट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो बस ये था वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।